अ साउथ एशियन कैनेडियन चैनल। बहुत ही मंदभागी खबर है कि पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी सरकार ने सुमेध सैनी दे मसले दे विच हाई कोर्ट दे विच एक ब्लैंकेट बेल जेड़ी है वो दे दिती है। जेड़ा जेड़ा सिद्धू हैगा एजी जेड़ा हैगा रतन सिद्धू पहला ना की होता अनमोल रतन सिद्धू जेड़ा हैगा अनमोल रतन सिद्धू ने अपनी गवर्नमेंट वालों कोर्ट च बयान दिता है कि सानू सुमेध सैनी की कोई लोड़ नहीं हैगी। कमाल की गल ये है कि सुमेध सैनी जेड़ा हैगा बादल दे वेले जदों बेदबियां होईयां जदों डेरियां दियां झगड़े पड़े बैबल करा बड़गाड़ी होया उहदा कसूरवार जेड़ा हैगा सीगा ओ सुमेध सैनी सीगा। बादल ने उसनू लाया डीजीपी जिसने एडे कतल कीते सी। कांग्रेस की सरकार आई भावें चली रहा उस तो पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह रहा गुटके ते सहु चुकी कैप्टन ने लेकिन कैप्टन साहब ने हथ नहीं लाया उन्हें प्रोटेक्ट करते रहे और इथों तक कि सुमेध सैनी नू गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की जिदे ते सिर्फ 3 FIR ने होनिया तो वो उत्ते हजारों FIR चाहिए ने जिन्ना उसने कतलेआम सिख नौजवानों का किया। 2 करप्शन दिया ने एक बलवंत सिंह मुल्तानी दे कतल दी है जिदी लाश अज तक नहीं लभी जिदे विच सारा कुछ हुंदा पिया है। मैनू ये नहीं समझ आती कि जेड़े बंदे केजरीवाल सरकार हमेशा पंजाब दी सिखां दी पंथ दी इतैशी बनती है लेकिन जदों मौका आता है जे भुल्लर साहब दी 4 वारी रिजैक्ट कर देंदे हो तुसीं रिहाई नूं और सुमेध सैनी नूं तुसीं क्लीन चिट देंदे पए हो तुसीं ब्लैंकेट उस नूं कह रहे हो कि सानूं इहदी लोड़ ही है नहीं। और चन्नी ने जांदिया जांदिया चैलेंज कीता सीगा जदों हाई कोर्ट ने उस नूं ब्लैंकेट बेल दित्ती सी सुप्रीम कोर्ट दे विच 4 मार्च 2022 नूं पिछले महीने 4 मार्च 2022 नूं उन्होंने डायरेक्शन दित्ती हाई कोर्ट नूं और सुप्रीम कोर्ट ने यह खदशा जताया कि तुसी किसे नूं ब्लैंकेट बेल किदां दे सकदे हो। मैं समझदा वां कि सुप्रीम कोर्ट दे कहण दे उत्ते जदों सुप्रीम कोर्ट हैरानी जता रहा है सुप्रीम कोर्ट यह आख रहा कि ब्लैंकेट बेल किवें दित्ती जा सकती है उसनों तुसी ब्लैंकेट बेल दे रहे हो और सरकार कह रही है कि सानू इहदी लोड़ नहीं। मैं समझदा वां कि भावें प्रोफेसर भुल्लर होण हवाड़ा साहब होण लाहौरिया साहब होण कुकी गिल साहब राजोवाणा जी गुरमीत सिंह लाभ सिंह नरप्रीत कौर ये जिहड़े लोकी ने ये कोई क्रिमिनल नहीं सीगे ये सुमेध सैनी दे तशद्दत जिहड़ा नौजवानां ते कीता दरबार साहब पहले ढाया जावे और उहदे बाद जो पिंडां दे विच नौजवानी ते कीता ए उहदी प्रोड्यूस ने कि अज 25-25 साल 18-18 साल 20-20 साल जेलां च बैठे ने इन्हां नूं एक दिन की पैरोल नहीं मिलती और इन्हां ने अपनियां सारियां जिंदगियां खराब कर दित्तियां लेकिन सुमेध सैनी जिहड़ा इन्हां सारियां दा कसूरवार है उसके वास्ते सानूं अपना केजरीवाल की सरकार कह रही है कि सानूं इहदी लोड़ नहीं है इसनूं अरैसट करन की लोड़ नहीं है। मैं अज केजरीवाल का अस्तीफा डिमांड करता वा कि उसनों अस्तीफा देना चाहिए। एक केजरीवाल अगर तुहानूं मैं याद करा देवा SIT दियां फाइलां इसने गवा दित्तियां सी सारियां जदों SIT दी असी केस परस्यू कीते ते दिल्ली सरकार कोलों फाइलां ही नहीं लभियां सीगियां। पॉलीग्राफ टैसट जिहड़ा अभिषेक वर्मा का होया पहले मशीन खराब रही जे उहदा पॉलीग्राफ टैसट होया ते अज तक पॉलीग्राफ टैसट की रिपोर्ट जिहड़ी है टेबल नहीं कीती गई। यह फोटो मैं उदों जारी कीती सी कि जदों केजरीवाल ते जगदीश टाइटर एक मीटिंग दे विच एक किसे पार्टी दे विच ये दोवें कट्ठे नजर आते ने और खास तौर पर फेवर इन्होंने जगदीश टाइटलर नूं कीती सी। ये दीपक बाजपाई है ये दीपक बाजपाई जिहड़ा हैगा ये नैशनल ट्रेजरर है इहदा आम आदमी पार्टी का। ये ट्वीट की करता है ये ट्वीट करता है कि सुमेध सैनी जिहड़ा ये साडा हीरो हैगा और हाई कोर्ट ने जिहड़ा फैसला किया बिल्कुल ठीक किया
और जेड़े सिंह अंदर ने या जेड़े जदोजहद च जेलां भुगत चुके ने उन्हां नूं इह भद्दी शब्दावली यूज करदा, उन्हां नूं इह खालिस्तानी कह रहा। यह सीनियर लीडर है आम आदमी पार्टी का, और मैं समझदा कि आम आदमी पार्टी की सोच तुहाडे सामने आ रही है। केजरीवाल नूं इस्तीफा देना चाहिए। एक सरकार ने सुमेध सैनी नूं लगाया सी, बादल सरकार ने डीजीपी, जेदे वेले बरगाड़ी वगैरह सब कुछ होया। दूजा राजा अमरिंदर सिंह ने उसनूं प्रोटेक्ट कीता सीगा। पंजाब दी जनता ने दोवां नूं बाहर चुक के सुटिया, डेसीमेट कर दिता, और उन्होंने आम आदमी नूं चुनिया। और आम आदमी ने अज जो कीता तुहाडे सामने है, ये पंजाब दी जनता नूं पता लगना चाहिए कि जिन्हां नूं तुसीं वोटां दे के जिताया ये किन्ने क हितैषी ने पंजाब दे, की ये पंजाब दे सेंटीमेंट नूं समझदे ने, की ये धर्म दे सेंटीमेंट नूं समझदे ने तुहाडे सामने। मनजीत सिंह जी, दीप सिद्धू दी इक वीडियो सोशल ते ऑलरेडी है, वायरल भी हो रही है। उन्हें इलेक्शन तो पहले कहा सी झाड़ू वाले आ गए ते भगवंत मान एक हथ खेड खिलौना साबित होगा अरविंद केजरीवाल का, और पंजाब के लिए दूजा बेअंता साबित होगा। मनु की लगता है कि पंजाब नूं उसी रस्ते तों मैं समझदा कि जो पंजाब दे विच अज गैंगस्टर्स दा खौफ आ रहा है, इहदा मतलब है कि ग्रिप उत्थे ढिल्ली हो चुकी है। दूजे पासे तुसीं उहनां लोकां नूं सपोर्ट कर रहे हो, तुसीं ऑफिशियली कोर्ट दे विच कह दिता तुहाडे अनमोल रतन सिद्धू ए जी ने कि सानूं इहदी लोड़ नहीं है, तुसीं मैसेज की दे रहे हो। पंजाब नूं दुबारा काले दौर अल अनरैसट अल इह धक्कणगे। पंजाब दे विचों काला दौर दुबारा आएगा, उहदा जिम्मेवार केजरीवाल होएगा। भगवंत मान तू तो मैं समझदा वा कि उहदे ते हले हथ पले कुछ नहीं, डायरेक्शन तो सारिया दिल्लियों दित्तियां जांदियां ने, इथों दी राघव चड्डे नूं भी उत्थे भेज दिता गया। मैं समझदा वा कि आने वाला समा पंजाब वास्ते मैनूं चंगा नजर नहीं आ रहा किसी भी पक्षों। पंजाब दे अंदर जिन्ने भी पंजाब दे गभरू जवान ने चुन चुन के उन्हां नूं टारगेट करके उन्हां दी किलिंग हो रही है, तुहानूं की लग रहा है पंजाब दी निशानी नूं बकायदा इक प्लानिंग दे तहत टारगेट कीता जा रहा है, खास करके आम आदमी पार्टी जाण तों बाद? देखो ये पंजाब दे विच भी है ते हिंदुस्तान दे विच भी है, किते बच्चे दा कड़ा उतरवाया जांदा है, किते कृपान उतरवाई जा रही है, किते कुछ हो रहा। कॉन्स्टिट्यूशन सानू राइट दिंदा है। मैं समझदा ये एक वक्री लड़ाई है जिहड़ी असी बड़े लंबे समय तो लड़ी, हाई कोर्ट चो फेवरेबल ऑर्डर भी लए, असी भावें ककारां ते लए होण, भावें असी हवारा साहब दे वास्ते लाहौरिया साहब वास्ते कोर्ट चो जाके रिलीफ लैंदे रहे हां। मैं समझदा वां कि ये लड़ाइयां ते सानू लड़नियां पैणगियां, लेकिन अफसोस उस गल दा है कि जिस पार्टी नूं एडी मेजोरिटी दे के पंजाब ने ओ स्टीयरिंग दित्ता है, पंजाब दे लोकां ने अज ओह की करदी पई है, इह उहनां दे सामने आना चाहीदा, और इह समझ आनी चाहीदी है कि असीं किहनां दे हत्थां चों खेड रहे हां। अखीरला सवाल, दिल्ली दे सरकारी स्कूलां दे अंदर 3 केस हो चुके ने पिछले एक हफ्ते, इसी बच्चे नूं कड़े उतारन स्पैशली कड़े नूं टारगेट कीता जा रहा है, तुहानूं की लगदा कि पंजाब दे बाद दिल्ली दे अंदर भी केजरीवाल सरकार देखो ये मैं नहीं समझता कि ये कोई केजरीवाल दी इंस्ट्रक्शंस होणगियां, लेकिन मैं समझता भावें केजरीवाल दी इत्थे मुख्यमंत्री है, भावें मोदी साहब सेंटर दे विच हैगे ने, गवर्नमेंट दे हेड वल्लों बड़े क्लीयर एक मैसेज जाना चाहिए कि जेडे ककार सानू कॉन्स्टिट्यूशन जेड़ा राइट दिंदा है वह बिल्कुल उन्हां नूं कोई किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। ए मैसेज टॉप ऑफ द गवर्नमेंट दे जेड़े हेड ने उन्हां तो आना चाहिए, ताँ इत्थे ठल पाएगी। A South Asian Canadian channel.